हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग आई होप कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद पूजा में तो गाइज एज यू ऑल नो कि हमने टिग्नोमेट्रिक सीरीज स्टार्ट की हुई है तो इसी में आज हमारा है डे थ्री तो आज हम लोग टिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को लर्न करेंगे कुछ फार्मूलाज तो हमको याद करने पड़ेंगे लेकिन कुछ टिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज ऐसे हैं जिनको हम फाइन कर सकते हैं जिनको हमें रटना नहीं पड़ेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइस इस टिग्नोमेट्रिक फॉर्मुला जब हम पढ़ रहे हैं तो इससे पहले मैंने आप लोगों को डिग्नोमेट्रिक के बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डिग्नोमेट्रिक टेबल समझा दी है तो अगर आप लोगों ने वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा बेसिक फॉर्मला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन तो गाइज ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है ज्यादा टफ भी नहीं है सिंपल सा एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन तो ज्यादा समय हम वेस्ट नहीं करते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं सॉरी बी यहाँ पे लिखना है तो चलिए सेकंड जो फॉर्मूला है वो है कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा ठीक है

कॉस का रेसिप्रोकल होता है और जो कॉस एक्स स्क्वायर थीटा यानी कि यहाँ पे जो हमने कॉस एक्स स्क्वायर थीटा लिखा है इसमें जो कॉस थीटा है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है तो इसी सीरीज में अगला फॉर्मूला है साइन टू थीटा इज इक्वल टू होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ठीक हो गया तो साइन टू थीटा इज इक्वल टू होता है टू साइन जब हम एंगल टू थीटा में ले रहे हैं उसका फॉर्मूला टू का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा इन टू थीटा के साथ तो बहुत ही सा है, करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तो इसी सीरीज में अगला फॉर्मूला लर्न करते हैं तो अगला फॉर्मूला है कॉस टू थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसी फॉर्मुला में कंफ्यूजन कर देते हैं वो साइन स्क्वायर ठीठा माइनस कॉस स्क्वायर ठीटा लिख देते हैं जबकि ऐसा नहीं है टू तो थीटा लिख रहे तो आप ऐसा समझ लीजिए कि कॉस ही पहले आएगा तो इस तरीके से लर्न करेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा सिम्पलीफाई करके भी लिख सकते हैं तो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि कभी कभी हमारा ये वाला फॉर्मूला तो चल जाता है लेकिन कभी इसका सिंपलीफाई रूप भी हमको चाहिए रहता है तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो हमको मिल जाता है फर्स्ट वाले फॉर्मुले से तो देखिए हमारे पास क्योंकि हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन है तो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस की जगह पर हमने क्या रख देना है वन माइनस साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा माइनस तो आपको फॉर्मूला रटना नहीं है फॉर्मूला बन जाएगा वन माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा ठीक हो गया एक फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया अगर हम इसी फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस तरफ चला जाएगा तो वन माइनस क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे इस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे ठीक है तो हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला है वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी कॉस टू थीटा इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की हमने वैल्यू निकाली हुई है यहाँ पे तो हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आ जाएगा वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो इसको हम सॉल्व करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस का मल्टीप्लीकेशन अंदर हो जाएगा तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस और प्लस एड हो जाएंगे तो यहाँ पे टू आ जाएगा एंड माइनस का वन आ जाएगा तो एक फॉर्मूला ये होता है तो यहाँ पे हमारे पास कॉस टू के थ्री फॉर्मूलाज होते हैं पहला होता है ठीटा ठीक हो गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में है और जो तीसरा है वो है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन इस वाले में माइनस का वन है और इस वाले में माइनस टू साइन स्क्वायर थीठा है तो ये डिफरेंस आपने देखना है तो बच्चे जब फॉर्मूलाज को याद करते हैं रटते हैं तो वो गड़बड़ जरूर करते हैं इसीलिए थोड़े बहुत अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखे अगला हमारा जो फॉर्मूला है वो है देखिए यहाँ पे हमने साइन टू ठीटा फाइन कर लिया है कॉस टू ठीठा फाइन कर लिया है, तो अब यहाँ पर आ रही है बारी टेन टू थीठा की वैल्यू क्या होती है तो देखिए टेन टू थीठा का फॉर्मूला होता है टू टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा ठीक है तो टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन को यहां तक समझ में आ गया होगा तो चलिए अगला फॉर्मूला फाइंड करते हैं तो देखिए अभी तक हमने यहां पर थीटा के फॉर्मूला पढ़े फिर उसके बाद टू थीटा के पढ़े तो अब है बारी साइन थ्री थीटा की तो यहां पर हम लोग साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं तो साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा तो यहां पर थोड़ा सा समझने की चीज है देखिए यहां पे जब हम साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला देख रहे हैं, तो यहां पे दोनों जो टर्म्स निकल के आए हैं वो साइन के फॉर्म में ही है फॉर्मूला क्या बन रहा है थ्री थीटा है तो थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा जो है वो फॉर्मूला बनता है अब है बारी कॉस थ्री थीटा की तो कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री Cos थीटा तो देखिए साइन वाले में दोनों टर्म साइन के थे तो कॉस वाले में कॉस के रहेंगे यहां पे थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि यह फोर साइन क्यूब थीटा था तो यहां पे पहले क्या आ जाएगा फोर कॉस क्यूब ठीटा पहले आ जाएगा माइनस थ्री कॉस ठीटा बाद में आ जाएगा तो अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला अगर हमें याद हो जाता है तो हम ये वाला सिंपली अंदाजे से लगा सकते हैं क्योंकि इसमें इसका अपोजिट ही हो रहा है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस ठीटा अगला फॉर्मूला है टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू होता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा तो ये है हमारे आज के फॉर्मूलाज और बेसिक फार्मूला ये ही सो गाइज यही है डिग्नोमेट्रिक so के बेसिक फॉर्मूलाज ये आपको याद होना बहुत जरूरी है अगर ये वाले फॉर्मूला आपने याद कर लिए तो फिर उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी तो चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा तब तक के लिए बाय टेक केयर खूब पढ़िए मन लगाकर बाय बाय